Thank you so much to NHN for arranging this webinar, and thanks to ADPC और ERP की उनका support भी शामिल है, और सबसे ज्यादा thanks उन participants को कि जिन्होंने आज वक्त निकाला और accountability to affected population के लिए जो webinar हो रहा है इसमें participation आज कर रहे हैं. बुनियादी तौर पर कंसेप्ट है अकाउंटेबिलिटी टू अफेक्टेड पॉपुलेशन का, बुनियादी तौर पर बेस्ड इस चीज पर है कि ह्यूमैनिटेरियन एक्टर्स जिन लोगों को असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं जो अफेक्टेड पॉपुलेशन होती है, खा वो किसी नेचुरल डिजास्टर से अफेक्टेड हैं या खा वो किसी मैन मेड डिजास्टर से अफेक्टेड है, एक इनहेरेंट जो फैक्टर है वो इस रिलेशनशिप में वो पावर इम्बेलेंसिस का होता है कि अफेक्टेड पॉपुलेशन के पास कुछ भी नहीं होता, इसलिए ह्यूमैनिटेरियंस उनकी असिस्टेंस के लिए आते हैं. और ह्यूमैनिटेरियन एक्टर्स के पास मेजॉरिटी ऑफ जो उनकी नीड्स हैं वो एक एक्टर या मल्टीपल एक्टर्स के पास होती हैं. तो बुनियादी तौर पर ये जो अकाउंटेबिलिटी टू अफेक्टेड पॉपुलेशन का कंसेप्ट है, ये बुनियादी तौर पर ह्यूमैनिटेरियन एक्टर्स की एक कमिटमेंट है कि इस पावर इम्बेलेंस की वजह से इनकी वो जो पावर अब्यूज और उन चीज़ों पर न चला जाए, बल्कि आप जिन लोगों की मदद कर रहे हैं, जिनको ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, आप ओपन हो कि वो आपको अकाउंटेबल ठहरा सके, यानी आप किसी जवाबदेही के तसव्वुर से बाला होकर काम नहीं करेंगे. आप अगर ह्यूमैनिटेरियन एक्टर हैं और अफेक्टेड पॉपुलेशन के साथ काम कर रहे हैं, तो ये वो डोनर रिसिपिएंट का रिलेशनशिप नहीं है. ये बुनियादी तौर पर आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहे हैं, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी करने के लिए आपके हाथ में एक पावर दी गई है, तो उस पावर के यूज में आप अकाउंटेबल हैं जिन लोगों को आप असिस्ट कर रहे हैं. वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपने आपके प्रोग्राम के डिज़ाइन में वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो आपके जो इम्प्लीमेंटेशन मॉड्यूलिटी है उसको मॉनिटर कर सकते हैं उस पर. बाकी चीज़ें अभी इसमें आगे हम डिस्कस करेंगे. बुनियादी तौर पर तीन कंपोनेंट है, टेकिंग अकाउंट, गिविंग अकाउंट और बीइंग हेल्ड टू अकाउंट. और ये तमाम, इन तमाम को अगर आप मिलाएं तो बुनियादी तौर पर जवाबदेही का तसव्वुर है, जो उर्दू में हम सिंपल उर्दू में कह सकते हैं कि आपकी कम्युनिटीज को ये इन्फ्लुएंस और या ये पावर हासिल हो कि वो आपके डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट उसको इन्फ्लुएंस कर सके. इस तरह नहीं है कि कम्युनिटीज़ की नीड्स एग हैं और हम कहें कि रिसोर्सेज हमारे हाथ में हैं तो हम कोई और डिसीजन करें. फिर कम्युनिटीज़ के अंदर भी जो मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं, वेमेन हैं, मेन हैं, बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, कहीं पर ट्रांसजेंडर्स हैं, कहीं पर एल्डरली पॉपुलेशन है, तो उन तमाम सेगमेंट्स यानी आपके प्रोग्राम के हवाले से जो जो चीज़ें उनको इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, उन पर इम्पेक्ट आ सकता है, कम्युनिटीज़ को ये हक हासिल हो कि वो उस प्रोग्राम को इन्फ्लुएंस कर सकें. तो ये बुनियादी तौर पर जो टेकिंग अकाउंट वाली चीज़ें हैं ये हैं, और गिविंग अकाउंट जो है वो ये है ट्रांसपेरेंटली एंड इफेक्टिवली शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद द कम्युनिटीज़. इसमें आपके प्रोग्राम के हवाले से, आपके प्रोजेक्ट के हवाले से, लोकेशंस के हवाले से, इसके अलावा आपकी जो असिस्टेंस की जो एंटाइटलमेंट्स है उनके हवाले से आप पूरी इंफॉर्मेशन कम्युनिटीज़ को देंगे. से फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से चलते हैं तो आगे आपकी स्लाइड में फिर और इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि अगर आप कहीं पर सिर्फ नॉन फूड आइटम्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो कम्युनिटीज को ये इंफॉर्मेशन हो कि यहाँ पर सिर्फ नॉन फूड आइटम्स मिल रहे हैं, किसी को फूड की जरूरत हो या कोई हेल्थ असिस्टेंस के लिए आ रहा हो
वो रेफरल पाथवेज और वो चीजें अलग हैं, लेकिन आपके प्रोग्राम के हवाले से लोगों को ये पता हो कि इनका बेसिक प्रोग्राम क्या है और डोमेन क्या है, किसके कवरिंग की है, और बीइंग हेल्ड टू अकाउंट, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है कि ये तो आपने एक इंफॉर्मेशन दे दी या आपने एक तरह से उनको डिसीजन मेकिंग में, बाकी दो जो हमने डिस्कस की है उनको थोड़ा सा रोल दे दिया, लेकिन ये थर्ड जो है बीइंग हेल्ड टू अकाउंट, इसके साथ हमारी जो अकाउंटेबिलिटी टू अफेक्टेड पॉपुलेशन का कंसेप्ट है वो कंप्लीट होता है कि आप जो कुछ काम करते हैं उसके लिए आप जवाबदेह हो। कम्युनिटीज को ये हक हासिल हो कि अगर आप उनके नीड्स के मुताबिक प्रोग्राम्स नहीं कर रहे हैं या और कोई एब्यूज प्रैक्टिस आपके पास चल रही है तो उसको वो रोक भी सके और आपसे पूछ भी सके। आगे इस पे जाते हैं कि टेकिंग अकाउंट का क्या मकसद है। तो इसमें ये है कि गिविंग कम्युनिटीज मीनिंगफुल इन्फ्लुएंस ओवर डिसीजन मेकिंग इन अ वे, किस तरीके से उनको मीनिंगफुल डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व किया जाएगा। एक भी है कि आपका तरीकेकार है वो इंक्लूसिव हो, ये ना हो कि सिर्फ मर्द हजरात इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं या सिर्फ मालदार लोग जो हैं इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नॉन डिस्क्रिमिनेटरी हो, जेंडर, रेस, रिलीजन, कलर, बैकग्राउंड्स, इन चीजों के बेस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, और अकाउंट फॉर द डाइवर्सिटी ऑफ द कम्युनिटीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे जो लोकल एक्टर्स हैं हमको इसमें एक कदम आगे जाना होगा, क्योंकि हम कम्युनिटीज में जाते हैं यूजुअली हमारे लोग वहाँ पर ब्रॉड बेस्ड कम्युनिटी मीटिंग करते हैं या वो फोकस ग्रुप डिस्कशंस करते हैं, उनमें जो मार्जिनलाइज लोग होते हैं उनको यूजुअली या तो कम्युनिटीज वाले इनवाइट नहीं कर रहे या समहा वो फील नहीं करते कि कंफर्टेबल कि वो इन डिस्कशंस में और इन डिसीजंस में पार्टिसिपेट कर सके। तो हमारा रोल ये है कि कम्युनिटी में जितनी डाइवर्सिटी है वो डाइवर्स कम्युनिटी तक हमारी रीच होनी चाहिए। तो इन चीजों के बेस पर हमारी जितनी प्रोग्रामिंग हो रही है, सिर्फ एक प्रोजेक्ट की बात, अब प्रोजेक्ट से थोड़ा सा ऊपर प्रोग्राम की लेवल पर चले जाएं, तो प्रोग्राम की लेवल पर जाने का ये है कि हमारा जो फीडबैक मैकेनिज्म हो वो हमारी स्ट्रेटजीज और हमारी जो रिस्पॉन्सेज हैं इनका हिस्सा होना चाहिए। गिविंग जस्ट एन एग्जांपल कि से फॉर एग्जांपल आपने ये कंसल्टेशन या ये डिसीजन मेकिंग आपने अपने फूड सिक्योरिटी के प्रोजेक्ट के हवाले से की, लेकिन इसमें आपको जो फीडबैक और वो चीजें आई तो वो उसमें शेल्टर के हवाले से या आवास के हवाले से भी कुछ चीजें हैं, तो आपकी एजेंसी की या ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन की वो जो प्रोग्राम है उन पर भी इसका इन्फ्लुएंस होना चाहिए। तो ये बुनियादी तौर पर जो अकाउंटेबिलिटी टू अफेक्टेड पॉपुलेशन है ये प्रोजेक्ट के लेवल से अबाव है, ये प्रोग्राम के लेवल पर है। तो आपके सिर्फ एक प्रोजेक्ट अकाउंटेबिलिटी का कंसेप्ट उसमें नहीं आ सकता जब तक कि आपके तमाम प्रोग्राम्स में ना आ जाए। गिविंग अकाउंट का ये है कि ये बेसिकली इंफॉर्मेशन शेयरिंग है, और इंफॉर्मेशन शेयरिंग भी आप तमाम कम्युनिटीज में ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिव तरीके से करेंगे। और इस तरह पिछले स्लाइड पर डिस्कस हो गया कि बुनियादी तौर पर ये इंफॉर्मेशन आप जरूर कम्युनिटीज को देंगे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी हैं, उसकी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, आप जिन बेनिफिशरीज को लेते हैं उनका टारगेटिंग क्राइटेरिया क्या है और एंटाइटलमेंट्स क्या है, अगर आपका कोई पैकेज है तो उस पैकेज में क्या क्या चीजें जो हैं आपकी बेनिफिशरीज को मिलेंगी, और आप साथ में ही ये कम्युनिटीज को ये बताएंगे कि अगर आप लोगों का कोई कंप्लेंट है या कोई फीडबैक आप देना चाहते हैं तो उसका तरीका भी आप उसमें बताएंगे। तो बुनियादी तौर पर यूजुअली ये जो कंप्लेंट रिट्रेसल मैकेनिज्म्स के बैनर लगे होते हैं वो एक स्टेप है अकाउंटेबिलिटी टू अफेक्टेड पॉपुलेशन के लिए, लेकिन ऐसी कम्युनिटीज की जहां पर बहुत हमारा जो लिटरेसी रेट है वो बहुत कम है तो जो फीडबैक या कंप्लेंट रेस करने का तरीका है इस पर भी अगर
ऐसी कोई वर्बल कम्युनिकेशन के हवाले से हमारे लोग मौजूद हो, ताकि लोगों को वो पता चलता रहे कि ये लोग हमें अकाउंटेबल हैं, और अगर उनका कोई कंप्लेंट है या कोई रिजर्वेशन या कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो वो वहाँ पर दे सके। और सेम ईमेल या टेलीफोन तमाम लोग यूज़ नहीं कर सकते, तो जो लोग आपकी इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन कर रहे हो आपके कंप्लेंट्स के सिस्टम के हवाले से, वही आपके उनके कंप्लेंट्स और वो तमाम चीज़ें एटलीस्ट उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं कि आप किस तरीके से आप अपना वो रजिस्टर करवा सकते हैं। थर्ड जो कंपोनेंट है वो बीइंग हेल्प टू अकाउंट है, और उसमें ये है कि कम्युनिटीज को ये हक हासिल हो कि आपके जो एक्शंस हैं उनको वो मॉनिटर भी कर सके। अगर वो समझते हैं कि आपके एक्शंस उनकी नीड्स नहीं पूरी कर रही तो उनको आल्टर भी कर सके और इवन आपको रोक भी सके। ये थोड़ा सा उस लेवल की है कि जिसमें ऑर्गेनाइजेशंस के पास फंडिंग की फ्लेक्सिबिलिटी होती है। पहले इसको ये जो बुनियादी तौर पर जो रेड कलर में चीज़ें लिखी गई हैं इनको देखिए। एक तो ये है कि कम्युनिटीज के साथ ये मशवरा कि आप जो सर्विसेज दे रहे हैं या जो प्रोडक्ट्स दे रहे हैं उनकी क्वालिटी के हवाले से उनका क्या ख्याल है। कम्युनिटीज को मॉनिटरिंग में इन्वॉल्व किया जाए और उनकी जो व्यूज है, कम्युनिटी की व्यूज जो है वो आपके प्रोग्राम को इन्फ्लुएंस कर सके, आपके इम्पैक्ट को चेंज कर सके। अब नेशनल ह्यूमैनिटेरियन नेटवर्क, चूँकि बुनियादी तौर पर हम ह्यूमैनिटेरियन एक्टर्स के नेटवर्क हैं और अपने लोकल एक्टर्स की को इनेबल करने के लिए स्पेसिफिकली इस थर्ड ऑप्शन पर कि बीइंग हेल्प टू अकाउंट पर, इसमें हम ये एडवोकेट कर रहे हैं कि जितने लोकल एक्टर्स हैं उनको जो फंडिंग आती है उसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी का आंसर होना चाहिए। और उसको मैं एक सिंपल मिसाल से वाजह करने की कोशिश करता हूँ कि हम असेसमेंट्स कर लेते हैं, फिर प्रोजेक्ट प्रपोजल बना लेते हैं, फिर आगे जाके वो प्रपोजल रिव्यू में टाइम लग जाता है, जब तक फंडिंग वापस ग्राउंड पर पहुंचती है तब तक काफी वक्त गुजर चुका होता है। तो इस दौरान में कई एक डिजास्टर्स में फिर लोगों की ग्राउंड पर जो नीड्स हैं वो उन 3 months या 6 months में चेंज हुई होती है, लेकिन जो कि हमारा प्रपोजल वो 6 months अर्लियर नीड्स के बेस पर गया होता है, तो जो अकाउंटेबिलिटी का कंसेप्ट है अपवर्ड अकाउंटेबिलिटी में हम डोनर्स को अकाउंटेबल होते हैं कि जिस मकसद के लिए हमने आपसे पैसा दिया है हम उसी मकसद के लिए यूज कर रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी का हाफ जो है हम पूरा कर लेते हैं, लेकिन अगर लोगों की नीड्स चेंज हुई हो और लोगों की नीड्स को हम रिस्पॉन्स होना हो तो हम बेशक हमारा कंप्लेंट मैकेनिज्म भी हो, बेशक लोग एक ऐसी चीज पर कमेंट क्यों करेंगे जो उनके नीड्स को रिस्पॉन्स ना हो। तो बुनियादी तौर पर जब हम डोनर्स को ये कहते हैं कि जब आप तमाम ह्यूमैनिटेरियन एक्टर्स को फंडिंग दे तो उसमें से कुछ पोर्शन, अगर तमाम नहीं तो एटलीस्ट कुछ पोर्शन 20-30% जो है आप उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रखें, ताकि अगर ग्राउंड पर नीड्स चेंज हो तो उन चेंज नीड्स के मुताबिक हम एक रिस्पॉन्स यू टू द नीड्स ऑफ द अफेक्टेड पॉपुलेशन एक ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्स दे सकें। तो ये एक कंपोनेंट है हमारी एडवोकेसी की स्ट्रेटजी का। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही नेसेसरी जो कंपोनेंट है वो अकाउंटेबिलिटी टू अफेक्टेड पॉपुलेशन में एक जो सब थीम है, लेकिन इम्पोर्टेंस उसकी बहुत ज़्यादा है, वो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और अब्यूज है। अगेन जिस तरह प्रेजेंटेशन के स्टार्ट में मैंने अर्ज की कि किसी भी ह्यूमैनिटेरियन एक्शन में या ह्यूमैनिटेरियन रिस्पांस के दौरान दो मुख्तलिफ ग्रुप्स होते हैं कि एक बहुत ही वल्नरेबल कंडीशन में होते हैं, उनको अपनी बेसिक नीड्स फुलफिल करनी होती है, लाइफ सेविंग नीड्स उनकी होती है। दूसरे ह्यूमैनिटेरियन एक्टर्स हैं कि
उनके हाथ में असिस्टेंस होती हैं या पैसे होते हैं या फूड होती हैं शेल्टर और ये तमाम चीज़ें जो बेसिक लाइफ सेविंग चीज़ है। तो बुनियादी तौर पर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और अब्यूज के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ये है कि ह्यूमैनिटेरियन एक्टर्स इन नीड्स के बदले अफेक्टेड पॉपुलेशन से सेक्सुअल फेवर्स न ले सके, ख्वातीन से, बच्चों से या इवन मर्दों से। तो इस ये जो अफेक्टेड पॉपुलेशन के लिए अकाउंटेबिलिटी है, इसमें आपका पीएसई है जो प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड अब्यूज है, इसका एक ज़रूरी कंपोनेंट होना चाहिए। और उसमें ये है कि जिन लोगों के लिए आप काम कर रहे हैं उनको ये पता हो कि अगर कोई ह्यूमैनिटेरियन एक्टर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन या सेक्सुअल अब्यूज में इन्वॉल्व है तो उसके खिलाफ कंप्लेंट कैसे की जाएगी, उसको उसी टाइम रोका कैसे जा सकेगा। यानी एक तो ये है कि कुछ लोग हैबिटुअली क्रिमिनल माइंडेड क्या होते हैं, तो हर ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि उनकी ऑपरेशन इस स्टाइल की हो कि उनको राइट एट द हैपनिंग ही रोका जा सके और उसको बड़े पैमाने पर रोका जा सके। और अगर कहीं पर कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है, लोगों को ये पता हो कि कंप्लेंट किस तरह करनी चाहिए, फिर कंप्लेंट के बाद कुछ इंटरनल भी आपकी मैकेनिज्म है कि आपकी इन्वेस्टिगेशन की एक इम्पार्शल और प्रोफेशनल तरीके से आपकी इन्वेस्टिगेशन की एक कैपेसिटी हो कि वो आप कैरी आउट कर सके और उस इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट के तौर पर जो जो मालूमात आए आप अफेक्टेड पॉपुलेशन के साथ शेयर करें। अफेक्टेड पॉपुलेशन से यहाँ हम विक्टम्स मुराद ले रहे हैं कि जिन लोगों को एक्सपोज किया गया सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन या सेक्सुअल अब्यूज के लिए, आपने किसी की कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दी है, किसी को नौकरी से निकाला है या आपने जो भी स्टेप लिया है और जो जो आपके पास इंफॉर्मेशन आई है वो भी आप शेयर करेंगे। अगर कंप्लेंट में इन्वेस्टिगेशन में आपकी ये बात आती है कि नहीं ये बंदा या बंदी जो है इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं रहे, तो फिर भी आप जिस बंदे या बंदी ने कंप्लेंट लॉन्च की है आप उनको फीडबैक देने के पाबंद होंगे कि आपकी कंप्लेंट पर क्या एक्शन हुआ है। बुनियादी तौर पर जो अकाउंटेबिलिटी टू अफेक्टेड पॉपुलेशन है, अगर आप इस स्लाइड में देखें तो ये आपके ह्यूमैनिटेरियन साइकिल की एक समराइज्ड फॉर्म है। ये आपके प्रोजेक्ट डिजाइन के स्टेज पर भी होगा, इम्प्लीमेंटेशन पर भी होगा, मॉनिटरिंग के स्टेज पर भी होगा और असिस्मेंट और इवेल्युएशन के स्टेज पर। यानी ये कोई एक स्टेप वाला प्रोसेस नहीं है। आप अगर ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस कर रहे हैं तो आपके थ्रू आउट द प्रोग्राम साइकिल जो है उसमें आपकी जो अकाउंटेबिलिटी टू अफेक्टेड पॉपुलेशन है वो चलती रहेगी। असेसमेंट फेज पर आप किस तरह इंश्योर कर सकते हैं, एक तो ये है कि ऐसे आप जब जो भी आपके लोग हायर होते हैं उनकी जॉब डिस्क्रिप्शंस में और या उनकी जो आप ट्रेनिंग करते हैं या उनका जो आप परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं उसमें अकाउंटेबिलिटी टू अफेक्टेड पॉपुलेशन उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन और उन तमाम चीज़ों में शामिल हो ताकि ह्यूमैनिटेरियन स्टाफ को भी पता लगे कि हम अगर फील्ड में जा रहे हैं तो अकाउंटेबिलिटी टू अफेक्टेड पॉपुलेशन क्या है, किस किस तरीके से हम इंश्योर करेंगे, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का क्या मैकेनिज्म है। और उसमें साथ दूसरा जो ये है कि कोशिश करें कि लोकल कम्युनिटीज़ को असेसमेंट स्टार्ट होने से पहले उनको इन्फॉर्म किया जाए। इवन ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की किसी जगह पर चल रही है उसके बावजूद भी यानी लोग सिर्फ जो अफेक्टेड पॉपुलेशन है वो सिर्फ हमारी असिस्टेंस लेने के लिए वहाँ पर नहीं बैठे होते कि हम अपनी मर्जी से जब चाहें जाएँ और वो हमारे लिए अवेलेबल। ये है कि लोगों की वो खुशी गमी भी होती है, कहीं पर हॉस्पिटल भी जाना होता है और भी, तो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन या अच्छी ऑपरेशन वो होगी जिसमें कम्युनिटीज को पहले से पता हो कि फलाने तारीख पर या फलाने
दिन पर फलाने टाइम पर ये लोग असेसमेंट्स के लिए आए। दूसरी ये चीज है कि लोकल कम्युनिटीज के साथ हमारी जितनी कम्युनिकेशन हो वो उनकी अपनी जुबान में। अगर आपके पास आपकी टीम में ऐसे लोग शामिल हैं कि जो वहाँ की लोकल जुबान नहीं बोलते, तो उनकी या तो ट्रांसलेशन करवाएं या उनको रिप्लेस करें लोकल पॉपुलेशन से, या कम से कम आपकी जितनी कम्युनिकेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं वो लोकल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेटेड हो। लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरह पिछले एक स्लाइड पर बात हुई कि ऐसी सोसाइटी में या ऐसी कम्युनिटी में हम ऑपरेट करें हैं कि जहाँ पर लिटरेसी रेट बहुत कम है, तो कोशिश करें कि लोकल जुबान बोलने वाले लोग जो हैं वो आपकी टीम में शामिल हो ताकि कम्युनिकेशन में आसानी रहे। और आपको जो लोकल कल्चर है, कस्टम है, बिलीव्स हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग भी हो और उनकी उनका रिस्पेक्ट भी हो, क्योंकि ये भी एक जो अफेक्टेड पॉपुलेशन है उनको अगर हम अकाउंटेबल हैं तो उनके जो बिलीव्स, कल्चर्स और कस्टम्स हैं हम उसको रिस्पेक्ट करेंगे। फिर असेसमेंट के दौरान हम क्या क्या करेंगे अगर हम अकाउंटेबिलिटी को अफेक्टेड पॉपुलेशन की बात करते हैं, तो ये है कि लोकल कम्युनिटीज के रिप्रेजेंटेटिव्स को इन्वाइट किया जाए। अगर कम्युनिटी में डिफरेंट ग्रुप्स हैं, वेमेन है, चिल्ड्रन है, एल्डरली हैं या ट्रांसजेंडर हैं, डिसेबल्ड हैं, उनको शुरू में जब मैंने कहा कि वो ब्रॉड बेस्ड कम्युनिटी मीटिंग में कुछ लोग आते नहीं हैं या अगर आते हैं तो वो बोलते नहीं हैं, तो इसके लिए जो डाइवर्स ग्रुप हैं, स्पेसिफिकली जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, उनके लिए अलग से कॉन्फिडेंशियल ऐसी डिस्कशन होनी चाहिए कि वो अपनी नीड्स आपको बता सकें। वो मुख्तलिफ ग्रुप्स होते हैं कम्युनिटी में, उनकी नीड्स और प्रायोरिटीज मुख्तलिफ हो सकती हैं, आप उन सब से फीडबैक लेंगे, उनसे असेसमेंट के दौरान कुछ करेंगे कि सबकी वॉइस जो है वो शामिल है। और कम्युनिटीज से आपने असेसमेंट के दौरान जो चीज़ें कलेक्ट की हैं, जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, उसके हवाले से एक ओवरऑल डिब्रीफ आप उनको कर देंगे कि बुनियादी तौर पर हमने क्या असेसमेंट में क्या क्या चीज़ें कलेक्ट की हैं और अब इनका यूज़ किस तरह होगा। प्रोजेक्ट डिज़ाइन असेसमेंट के बाद हमारी आती है, तो ये क्योंकि पिछले लास्ट स्लाइड पर लास्ट यही चीज़ है कि आपके असेसमेंट की फाइंडिंग जो है वो आप कम्युनिटी के साथ शेयर करेंगे, लोकल अथॉरिटीज और जिस क्लस्टर के अंडर आप ऑपरेट कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें। डेटा प्रोटेक्शन के हवाले से और उन तमाम चीज़ों के हवाले से अगर इस असेसमेंट के दौरान में आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन आई हुई हो, तो पर्सनल इंफॉर्मेशन आपने किसी भी बेनिफिशियरी की या पॉपुलेशन की शेयर नहीं करनी। आपने ओवरऑल ये जो असेसमेंट की फाइंडिंग है ये आपने ओवरऑल ट्रेंड्स और परसेंटेजेस और उन चीज़ों के हवाले से शेयर करना है, ताकि लोकल अथॉरिटीज़ और क्लस्टर्स को भी अपनी प्रायोरिटी सेट करने में फ़ायदा हो, और कम्युनिटीज़ को आप इसलिए देते हैं कि वो इस दौरान भी आपको फीडबैक दे सकते कि वाकई उनकी नीड्स हैं या नहीं। आपकी असेसमेंट के जो रिजल्ट्स आए हैं वो डेफिनेटली आपके प्रोजेक्ट के डिज़ाइन में इस्तेमाल होंगे। और लोकल लोग आपने एक दफ़ा असेसमेंट में जो अफेक्टेड पॉपुलेशन है वो आपने इस्तेमाल की, कोशिश करें कि आप जब फाइनल डिज़ाइन करते हैं वहाँ पर नीड्स आपने आइडेंटिफाई की, तो प्रोजेक्ट डिज़ाइन फेज में आप उन नीड्स की सोलूशन को आइडेंटिफाई करते हैं, तो कोशिश करें कि अफेक्टेड पॉपुलेशन के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स इसमें भी शामिल हों कि आपके वो जो नीड्स हैं उनके लिए हम प्रपोज कर रहे हैं ये सोलूशन, तो ये होगा। और अगर आप एडिशनल स्टाफ ले रहे हैं तो कोशिश करें कि उसको लोकल में से ले लें वो जो लैंग्वेज और उन चीज़ों का है, और उसका ओपनली आप एडवर्टाइज करें। कहीं पर न्यूज़पेपर्स नहीं होते, इवन कुछ जगहों पर मुख्तलिफ मैकेनिज्म हो सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक साइट्स होती हैं वहाँ पर आप एडवर्टाइजमेंट्स लगा सकते हैं। फिर ये जो
व्हाट्सएप और फेसबुक और सोशल मीडिया वाली मैकेनिज्म्स हैं, इन पर भी कर सकते हैं। तो जितना आप वाइडली एडवर्टाइज कर सकते हैं तो आपके पास एक कॉम्पिटेंट स्टाफ भी आएगा, और फिर जो लोग डिजर्व करते हैं उन जॉब्स के लिए वो भी आपके पास अप्लाई कर सकते हैं। प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन के फेज पर अगेन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है अकाउंटेबिलिटी टू अफेक्टेड पॉपुलेशन का, कि आप बेनिफिशरीज को किस तरह से सेलेक्ट करेंगे कि इतनी उनकी मंथली इनकम हो, या उनका फ्लड में इतना डैमेज हुआ हो, या उनका अर्थक्वेक में फलाना फलाना ये हुआ हो। तो ये जो आप क्राइटेरिया सेलेक्ट करते हैं कि इन लोगों को असिस्टेंस मिलेगी और इनको नहीं मिलेगी, इसमें लोकल कम्युनिटीज या जो अफेक्टेड पॉपुलेशन के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो जरूर इसमें शामिल होना चाहिए। अगेन एक एग्जाम्पल आपको दूंगा किसी विदाउट नेमिंग द ऑर्गेनाइजेशन, कुछ ऑर्गेनाइजेशन असिस्टेंस दे रही थी और उनका उनके माइंड में ये था कि जिन लोगों के घरों में 6 से ज़्यादा काउज यानी गायें हों तो वो हमारे असिस्टेंस के लिए जो है वो क्वालिफाई नहीं करते, वो एक्सक्लूड हैं। लेकिन उन कम्युनिटीज के साथ हमने जब बात की तो उनका ये था कि जिन लोगों की 3 से ज़्यादा गायें हो जाती हैं उनके और लाइवलीहुड के ज़राए नहीं होते, यही एक गाय वाला सिस्टम भी उनका चलता रहता है। तो घर वगैरह हमने उनके देख लिए, बाकी चीज़ें भी देख ली, और वी फाउंड दैट they were more vulnerable than those people जिनके घर में सिर्फ एक गाय थी या दो गाय थी, क्योंकि उन लोगों का लाइवलीहुड का सोर्स और भी था और इसलिए वो उनकी सिक्योरिटी की सिचुएशन बेहतर थी। तो ये क्राइटेरिया डेवलप करने में कोशिश करें कि आप अफेक्टेड पॉपुलेशन के रिप्रेजेंटेटिव को आप इन्वॉल्व कर सकें। दूसरा, कम्युनिटीज को ये पता हो कि आप क्या कंप्लेंट रजिस्टर करने का क्या तरीका है, कंप्लेंट को आप इन्वेस्टिगेट करते हैं जिस तरह भी करते हैं, लेकिन उस कंप्लेंट के ऊपर जो रिस्पांस आता है वो आप कम्युनिटी को देंगे। फीडबैक का सिस्टम पहले भी डिस्कस हुआ है, अब दोबारा उसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं। और ये यूजुअली लोकल ऑर्गेनाइजेशंस मैंने जितनी देखी हैं वो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस ये कर रहे हैं कि लोकल कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स की एक कमेटी बना लेनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द लोकल ऑर्गेनाइजेशंस डू इंप्लीमेंट दिस, और ये एक तरह से अकाउंटेबिलिटी टू अफेक्टेड पॉपुलेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है कि इस कमेटी को आपके मॉनिटरिंग में आपके इवेल्युएशन में इनको से हासिल होता है, और दिस इज गुड। बट अगर कहीं पर नहीं तो जिन जिन इलाकों में हम काम करते हैं वहाँ के लोकल कम्युनिटीज की कमेटी होनी चाहिए, और जहाँ पर अगर आपने डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, असिस्टेंस देनी है या कोई और सपोर्ट देनी है तो अगेन आप जो अफेक्टेड पॉपुलेशन है उनको एडवांस में आप इंफॉर्मेशन देंगे कि किस तारीख को किस जगह पर किस टाइम और क्या मॉडलिटी होगी, कितनी कतारें होंगी, सिक्योरिटी का क्या सिचुएशन होगा, ये तमाम इंफॉर्मेशन आप कम्युनिटी को दे सकते हैं, आपको देना चाहिए। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग का जो फेज है इसमें भी लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स को आप इन्वॉल्व करेंगे, इनको आप इनवाइट करेंगे, और पिछले स्लाइड पर जो लोकल कमेटी की बात हमने की वैसे इनबिल्ट उसका एक रोल प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग भी होती है। तो लोकल पॉपुलेशन को उसमें इन्वॉल्व करना चाहिए जो अफेक्टेड पॉपुलेशन है, और आपकी मॉनिटरिंग की जो फाइंडिंग्स हैं वो लोकल कम्युनिटीज के साथ शेयर होनी चाहिए। स्पेसिफिकली ये ऑर्गेनाइजेशन की अपनी क्रेडिबिलिटी का भी एक सवाल है। हम चूंकि लोकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और लोकल ऑर्गेनाइजेशंस की इश्यूज को मद्देनजर रखते हुए ये बहुत ज़रूरी इसलिए है कि आपकी कम्युनिटी में कुछ लोग इनिशियली आपके लिस्ट में आ जाते हैं जो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते या डिजर्विंग नहीं होते, और आप उनको आपकी मॉनिटरिंग के लोग ड्रॉप कर लेते हैं कि ये असिस्टेंस और लोगों को जानी चाहिए। तो कम्युनिटी में
उस तरह की अगर उनमें से कोई वोकल लोग हो तो वो आपके लिए इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं। तो आपकी जो मॉनिटरिंग की पार्टनर है, अगर ये आप कम्युनिटीज के साथ रेगुलरली शेयर करते रहेंगे तो उस तरह के इश्यूज आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं आएंगे। और अगेन ये जो कह रहे हैं कि कम्युनिटी फीडबैक और मॉनिटरिंग की वजह से आपको अपने प्रोजेक्ट की डिज़ाइन को एडजस्ट करना चाहिए, ये बुनियादी तौर पर हम जितने लोकल एक्टर्स हैं या इवन इंटरनेशनल एक्टर्स हैं जिनको फंडिंग डोनर्स से आती है, इस पर हमें अपनी एडवोकेसी बहुत ही इम्प्रूव करनी पड़ेगी कि अगर हमने प्रोजेक्ट के डिज़ाइन में एडजस्टमेंट करनी है तो हमारी जो अपवर्ड अकाउंटेबिलिटी का कंसेप्ट है या जो डोनर हमें अलाउ करता है वो इम्पैक्ट होगा। और जब तक हम कम्युनिटी के रियल नीड्स के लिए रिस्पॉन्सिव नहीं होंगे तो हम नहीं कह सकते कि हम अकाउंटेबल है। यानी अगर हमें कम्युनिटीज कह रही है कि आप जो असिस्टेंस एक्स दे रहे हैं इसके बजाय आप असिस्टेंस वाई दें क्योंकि वो एक्स वाली ज़रूरत हमारी नहीं रही और हमने डोनर से पैसे एक्स के लिए ही लिए, तो जाहिर है कि वो हमारा एक डायलेमा हो जाता है। वो डोनर अकाउंटेबिलिटी एक पावर इम्बेलेंस हमारे यहाँ भी है ना, हमारे डोनर ज़्यादा पावरफुल हैं, हम कमज़ोर पोजिशन पर होते हैं, तो हम वो उस प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन के दौरान या मॉनिटरिंग के दौरान नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर किसी भी ह्यूमैनिटेरियन इमरजेंसी के शुरू होने से या रिस्पांस के शुरू होने से पहले हमारी ये एडवोकेसी स्ट्रांग हो कि फंडिंग फ्लेक्सिबिलिटी इज अ नेसेसरी कंपोनेंट ऑफ द अकाउंटेबिलिटी टू अफेक्टेड पॉपुलेशन, तो ये हम कोशिश करेंगे, हम एम करेंगे कि कम से कम मिनिमम 50% हमें फ्लेक्सिबल फंडिंग मिले। लेकिन 50% न भी हो तो कुछ परसेंटेज में फ्लेक्सिबिलिटी हो तो फिर हम प्रोजेक्ट डिज़ाइन में ये जो एडजस्टमेंट्स या अल्ट्रेशन हैं ये कर पाएंगे। तमाम फेजेस के हवाले से अगेन इस स्लाइड में हम देख रहे हैं कि आपके प्रोजेक्ट कि जो ह्यूमैनिटेरियन साइकिल हैं उसके जितने फेजेस हैं, प्लानिंग है, डिज़ाइनिंग है, इम्प्लीमेंटेशन है या मॉनिटरिंग है, उसमें जो इफेक्टेड पॉपुलेशन है उनको एक्सेस हो, फिजिकली भी हो, कल्चरली भी हो, अब तो टेक्नोलॉजिकली भी, हम तमाम अपने अपने प्रोविंसेस में बैठकर वेबिनार्स कर रहे हैं, तो कम्युनिटीज के लिए जाहिर है कि जूम और उस तरह फिलहाल एम्बिशियस लग रहे हैं, लेकिन शायद फ्यूचर में ये भी पॉसिबल हो कि कम्युनिटीज के साथ भी हो, तो उनको एक्सेस होनी चाहिए कि इसमें वो कंट्रीब्यूट कर सके। और तमाम पॉपुलेशन को ये अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो कंप्लेंट रजिस्टर कर सके, आपके प्रोग्राम पर फीडबैक दे सके और उस फीडबैक पर उनको आप रिस्पांस भी दें। तो ये बुनियादी तौर पर इंटेलिजेंसी स्टैंडिंग कमेटी ने जो PECA प्रोटेक्शन फ्रॉम सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड अब्यूज के हवाले से जो चार कंपोनेंट है कि लीडरशिप, पार्टिसिपेशन एंड पार्टनरशिप, एक्शन रिजल्ट्स और इंफॉर्मेशन फीडबैक, इसके हवाले से एक एक पर हम बात करेंगे। और ये अगेन अकाउंटेबिलिटी टू अफेक्टेड पॉपुलेशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है कि जिन लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं वो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और सेक्सुअल अब्यूज से उनकी प्रोटेक्शन हो सके। तो लीडरशिप के हवाले से ये है कि ऑर्गेनाइजेशन की अपनी जो लीडरशिप है वो उनकी एक कमिटमेंट हो अकाउंटेबिलिटी टू अफेक्टेड पॉपुलेशन के लिए और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और सेक्सुअल अब्यूज के प्रिवेंशन के लिए। तो इसके लिए लीडरशिप का जो रोल है वो ये है कि जो AAP यानी अकाउंटेबिलिटी टू अफेक्टेड पॉपुलेशन, इसके जो अप्रोचेज हैं वो आपके ह्यूमैनिटेरियन प्रोग्राम साइकिल में इंस्टीट्यूशनलाइज और इंटीग्रेट, आपकी जितनी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की प्रोसेस उनमें उनका एक ही इनबिल्ट कंपोनेंट हो ये अप्रोचेस, और आपका जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो इस काबिल हो कि वो आप तमाम जो अफेक्टेड पॉपुलेशन है उनकी वॉइस को एक सिस्टमेटिक तरीके से आप सुने भी, उन पर एनालिसिस भी करें और उन पर इन्वेस्टिगेशन भी करें और उन पर फीडबैक भी दें।
आपकी इमरजेंसी चल रही हो या इमरजेंसी से आप पहले प्लानिंग कर रहे हो या इमरजेंसी के बाद, लेकिन ये जो चीज़ें हैं स्पेसिफिकली अकाउंटेबिलिटी टू पॉपुलेशन इसलिए है, इसे एक्सप्लॉटेशन ऑफ अब्यूज है, इसके हवाले से आपके मैकेनिज्म होने चाहिए और मैकेनिज्म फॉर द टाइम बीइंग लेट्स बी कंसिडरेट ऑफ द लिमिटेशंस एज बुनियादी तौर पर बहुत ही कम लोग सेक्टर में इस वक्त मौजूद हैं कि जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और सेक्सुअल एब्यूज के कंप्लेंट्स की इन्वेस्टिगेशन कर सकते होते हैं, क्योंकि उसमें डेटा प्रोटेक्शन का एक आंसर होता है और दूसरा बुनियादी जो लिमिटेशन है वो इसमें न्यूट्रल और अनबायस्ड इन्वेस्टिगेटर्स हैं। तो अगेन एज ह्यूमैनिटेरियन एक्टर्स हम डोनर्स से इस पर भी एडवोकेसी हमें कर लेनी चाहिए कि हमारे यहाँ इन बिल्ड हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक सेक्सुअल एब्यूज और एक्सप्लॉयटेशन में जो रिपोर्टिंग भी इसमें एक बड़ा इशू है कि विक्टिम उसको रिपोर्ट नहीं कर पाते या जो विसल ब्लोअर्स हैं उनकी अपनी अप्रिहेंशंस होती है, लेकिन अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्टिंग मैकेनिज्म बेहतरीन हो कि उसमें विक्टिम खुद भी रिपोर्ट कर सके या कोई विसल ब्लोअर भी उसमें आ सके, लेकिन इन्वेस्टिगेशन स्टिल एक मेजोरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में एक ग्रे एरिया है, तो इस पर हमें एडवोकेसी कर लेनी चाहिए कि ये जो कैपेसिटी है इसके बढ़ाने के लिए डोनर्स की तरफ से इस पे भी इन्वेस्टमेंट। अच्छा, पीसीए अगेन जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और एब्यूज है उसमें पार्टिसिपेशन और पार्टनरशिप्स का जो मैकेनिज्म है वो ये है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन के लेवल, मैंने जिस तरह शुरू में भी अर्ज किया कि अकाउंटेबिलिटी टू अफेक्टेड पॉपुलेशन या पीस, ये किसी एक प्रोजेक्ट के लिए नहीं हो रहा, ये आपके प्रोग्राम और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। तो ये है कि आपके पूरे ऑर्गेनाइजेशन में पूरे एजेंसी में मैकेनिज्म हो कि जो कलेक्टिव और कोऑर्डिनेटेड तरीके से और पीपल सेंटर्ड अप्रोचेस के साथ चलें और उसमें ख्वातीन को और मर्दों को, बच्चों और बच्चियों को या जो मार्जिनलाइज ग्रुप हैं उनको उनको ये अपॉर्चुनिटी हासिल हो कि वो आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में वो पार्टिसिपेट कर सकें, वो आप जो भी डिसीजन करते हैं और उसका इम्पैक्ट उनके ऊपर आता है, उनकी जिंदगी के ऊपर आता है, उसमें उन लोगों को मौका मिलना चाहिए कि वो पार्टिसिपेट कर सकें। और दूसरी चीज, मेजोरिटी ऑफ वो पार्टिसिपेंट्स आज जो हमारे हैं वो लोकल एक्टर्स ही हैं, लोकल एनजीओज हैं, लेकिन हमारे अलावा और भी लोकल एक्टर्स हैं, हम जिन गांव में जाते हैं वहां पर सीबीओज हैं और लोकल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो उनके साथ एक पार्टनरशिप के मॉडल पर चलना चाहिए ताकि उनके चूंकि डीप रूट्स होते हैं कम्युनिटी में, उनके साथ लोगों का जो रिलेशनशिप है वो ट्रस्ट के बेस पर होता है, तो उस पर कैपिटलाइज करके हम पार्टनरशिप डेवलप करें और ये जो स्पेसिफिकली सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और एब्यूज की प्रिवेंशन है ये कर सके। अब इसमें पीसीए में स्पेसिफिकली आप ये नहीं कह सकते कि इस लोकल गांव की सीबीओ है तो ये लोग सेक्सुअल एब्यूज या सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन नहीं करेंगे, ना आप ये कह सकते हैं कि आपका सिर्फ फ्रंट लेवल वर्कर जो है वो कर सकता है या कर सकती है। इसमें तमाम पार्टनरशिप्स आपके होने चाहिए, लेकिन बुनियादी तौर पर पार्टनरशिप्स का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और एब्यूज, तो इस तरीके से हम इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, फिर इंफॉर्मेशन फीडबैक और एक्शन जो है वो ये है कि कम्युनिटीज की तरफ से या फिर पॉपुलेशन की तरफ से जो फीडबैक आते हैं, खुदा न खास्ता अगर कहीं पर कोई विक्टिम आपको रिपोर्ट करता है तो उनको रजिस्टर करने के लिए एक बाकायदा सिस्टम हो और उसमें एक सपोर्टिव सिस्टम हो, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस अगर कंप्लेंट मैकेनिज्म आप उनके देखें तो वो इतने कमबरसम होते हैं कि वो कंप्लेंट करने वाला दिल हार बैठता है कि बस अब आ गया इस पर नहीं कर सकते, तो एक
पार्टिसिपेटरी अप्रोच हो कि जिसमें आप लोगों को सुने और उनका फीडबैक ले और आप करेक्टिव एक्शन भी ले और वो उनको दोबारा जो है वो कम्युनिकेट भी हो। इस ईयर रिलेटेड कंफ्रेंस पिछले स्लाइड्स पर बात हुई है कि बुनियादी तौर पर रिपोर्टिंग ऐसी हो कि खास विक्टिम खुद रिपोर्ट करना चाहे या कोई, कई दफ़ा इस तरह होता है कि विक्टिम को इतनी वो स्ट्रेस की सिचुएशन में होता है या होती है कि वो खुद रिपोर्ट नहीं कर पाता है या नहीं कर पाती, तो जो विसल ब्लोअर्स हैं उनकी भी प्रोटेक्शन होनी चाहिए कि अगर कोई और देखे कि किसी की सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन या अब्यूज हो रही हो किसी ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन या वर्क के हाथ में, तो उसको रिपोर्ट किया जाए और उसके लिए एक बाकायदा सिस्टम मौजूद हो। लास्ट जो पॉइंट है ये पिछले तमाम स्लाइड्स में तकरीबन पार्शियली सब में डिस्कस हो चुकी है कि जो हमारी असिस्टेंस के प्रोग्राम हैं वो रिस्पॉन्सिव हो। रिस्पॉन्सिव किस चीज़ के लिए? वो लोगों की नीड्स के लिए भी हो, लोगों की कम्युनिटी की जो डाइवर्सिटी है उनके लिए भी रिस्पॉन्सिव हो, ताकि मुख्तलिफ ग्रुप्स के जो मुख्तलिफ नीड्स हैं उनको पूरा किया जा सके। रिजल्ट्स के हवाले से जो अकाउंटेबिलिटी टू अफेक्टेड पॉपुलेशन के जितने मेजर्स हैं या प्रिवेंशन के जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और अब्यूज के जितने मेजर हैं वो आपके एजेंसी लेवल पर या ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर और कलेक्टिव लेवल पर होते हैं। स्टार्ट हम ले सकते हैं कोर ह्यूमैनिटेरियन स्टैंडर्ड से या मिनिमम ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड हैं प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल अब्यूज और एक्सप्लॉयटेशन के हवाले से। इसके अलावा डिवीजन सिस्टम कमेटी में एक कम्युनिटी बेस्ड कंप्लेंट मैकेनिज्म भी प्रपोज किया हुआ है, उनसे भी हम गाइडेंस ले सकते हैं अपने सिस्टम्स को बनाने के लिए। और इसी तरह जो मिनिमम ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड है PECA पर, उनसे भी गाइडेंस ले सकते हैं। इवन ये जो ग्लोबल लेवल पर UN का एक स्पेशल रिपोर्टर प्रपोज है कि एक एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होने के बजाय ये सिस्टम वाइड इवन ऑर्गेनाइजेशन के लेवल से बढ़कर तमाम सेक्टर के लिए भी हो, लेकिन वो अभी एक प्रपोजल स्टेज पर है। लेकिन अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से अगर हम चाहते हैं तो ये कोर ह्यूमैनिटेरियन स्टैंडर्ड्स या जो के जो अकाउंटेबिलिटी पॉपुलेशन के एस्पेक्ट्स हैं या PECA के मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं या RJSE के जो CBCM मैनुअल हैं, इनसे हम असिस्टेंस ले सकते हैं। विद दिस we come to the end of this presentation. Thank you so much for listening. Or agar questions ho ya aap logon ke inputs ho to people are welcome. Kamran usko moderate karenge aur hum dekhte hain ki aap logon ka kya feedback aata hai ya kya interest aata hai. Thank you so much. Thank you Azmat sir. काफ़ी इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन थी और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनका अकाउंटेबिलिटी टू अफेक्टेड पॉपुलेशन के हवाले से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आपने काफ़ी डिटेल में जो है APP के कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन किया एंड हाउ टू इंश्योर APP इन द ओवरऑल ह्यूमैनिटेरियन प्रोग्राम साइकिल, इस पर भी बात हुई। साथ में इंटर एजेंसी स्टैंडिंग कमेटी के जो चार कमिटमेंट्स हैं वो भी काफ़ी मतलब डिटेल में एक्सप्लेन किए गए। तभी मैं अपने जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, हमारी ऑडियंस हैं, उनसे यानी रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर उनका कोई क्वेश्चन है तो काइंडली वो अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा यह है कि अगर अपने यानी हैंड रेस कर दें तो मैं बारी बारी जो है एक एक को जो है इन्वाइट करूंगा ताकि वो जो है आपसे क्वेश्चन पूछ सकें। तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो काइंडली जो क्वेश्चन करना चाहते हैं वो अपना हैंड रेस करें। अच्छा जी, हमारे पास पार्टिसिपेंट्स की तरफ से एक सवाल है जी। मिस ज़हरा, प्लीज आप अपना क्वेश्चन जो है पूछ सकती हैं। जी सलाम, मेरा नाम ज़हरातुल फातिमा है और इस टाइम मैं एज ए जेंडर स्पेशलिस्ट PCIP के साथ काम कर रही हूँ। बहुत इंफॉर्मेटिव आपकी ये पूरा सेशन था और खासतौर पे जब आप ग्रीवियंसेस की बात करते हैं तो ये सिस्टम जो है बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। बट माई क्वेश्चन इज, जो बाद में अजमत साहब आपने बात की है, हाउ मच इट इज प्रैक्टिकल
कि जो आजकल का सिनेरियो है सिविल सोसाइटी के लिए, उसके दौरान में ना उनके पास अमला होता है, ना ही वो रिटेन कर सकते हैं अपने स्टाफ को कि वो टाई अप कर सकें और अकाउंटेबिलिटी के पूरे प्रोसेस को और अपग्रेड कर सकें अपने आप को। साथ ही आप जिस तरह बात कर रहे थे कि जनाब ये जो पूरा प्रोसेस होता है फ्रॉम प्रपोजल राइटिंग टू द एक्सेप्टेंस फ्रॉम डोनर और फिर वो सारी चीजें, उसमें 4 महीने नहीं, समटाइम्स इट विल टेक मोर देन दैट, अराउंड अबाउट 8 to 10 months। इस दौरान आपको नहीं पता होता कि किस कम्युनिटी के अंदर जो हमारी बार्गेन होगी डोनर के साथ आखिर में क्या तय पाएगा। तो ये सारी चीजों को सामने रखते हुए आप क्या प्रैक्टिकल जो है वो हमें टिप्स देना चाहेंगे कि वो ऑर्गेनाइजेशंस, मैं बहुत छोटी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी काम करती हूँ, आई नो कि वो बहुत अच्छे तरीके से इन चीजों को चलाते हैं, एक एक दो दो लोग होते हैं और कमिटेड होते हैं, फिर जब कोई नया प्रोजेक्ट आता है तो फिर जो है वो टेक्निकल स्टाफ हायर किया जाता है। इस दौरान आप कौन से ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स देंगे उन ऑर्गेनाइजेशन को कि वो ये प्रोसेस को जो है मेंटेन कर सकें और अकाउंटेबिलिटी के लिए अपने आप को तैयार भी रखें। थैंक यू जी अजमत साहब। थैंक यू सो मच जहरा, और बहुत ही वैलिड क्वेश्चन, और वो उर्दू में हम कहते हैं ना कि सही नब्ज पर आपने हाथ रख लिया है। बुनियादी तौर पर अकाउंटेबिलिटी टू अफेक्टेड पॉपुलेशन के लिए एक कमिटमेंट के तौर पर एक्सपेक्ट तो किया जाता है लोकल ह्यूमैनिटेरियन एक्ट्स के हिसाब से, लेकिन मुख्तलिफ स्लाइड्स, अगर आपने पूरी प्रेजेंटेशन अटेंड की हो तो मैंने मुख्तलिफ स्लाइड्स पर कहा कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या ऐसे कम्युनिटीज में हम काम कर रहे हैं कि वहाँ पर लिटरेसी रेट कम है, वहाँ पर अगर आप बैनर लगा भी लेंगे तो बैनर लगाने या न लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बुनियादी तौर पर आपका जो ये सवाल है, ये अकाउंटेबिलिटी टू अफेक्टेड पॉपुलेशन या PECA के साथ साथ मिलकर ये एक स्टेप और भी आगे हमको ले जाता है, और वो है ड्यूटी ऑफ केयर, कि हमारे छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस हैं और उसमें से ऑलरेडी, यानी कमिटमेंट एक अलग चीज है, हमारे लोग कमिटेड हैं नो डाउट, लेकिन इतना वर्क बर्डन उठाने के लिए जितने स्टाफ की जरूरत है, जितने लोगों की जरूरत है, वो यूजुअली हमारे पास होती नहीं है। तो हम जो बात कर रहे हैं कि हमें एडवोकेट करना है डोनर्स के साथ कि आप एक्ट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी दे दे, दूसरा जो है जब हम डोनर के साथ ये नेगोशिएट करते हैं, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से ये वाज़ह किया है, तो वो बजट में एक एक पोजीशन को और दो दो पोजीशंस को वो कट डाउन करते हैं होना, यानी एक आइडियल सिचुएशन में अगर हम अकाउंटेबिलिटी टू अफेक्टेड पॉपुलेशन इंश्योर करना चाहते हैं, होना तो ये चाहिए कि अगर हम इलिटरेट कम्युनिटीज में ऑपरेट कर रहे हैं तो हमारे पास वो ग्रीवेंस डिस्क के, सिर्फ डिस्क के लोग ना हो, वो अच्छे खासे तादाद में हो कि वो ड्यूरिंग और इम्प्लीमेंटेशन एज वेल एज पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन कम्युनिटीज से जाके फीडबैक ले सके कि आपकी नीड्स कितनी हद तक फुलफिल हुई है। तो वो एक ह्यूमन रिसोर्स का की शॉर्टेज का एक बहुत बड़ा इशू है, और ये अगेन कलेक्टिव एडवोकेसी का ही पॉइंट है कि हम सब ने मिलकर इस पे कलेक्टिव एडवोकेसी करनी है कि जो डोनर हमें एक प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग देगा, एक तो ये मॉडलिटी ही हम NHN के प्लेटफॉर्म से एज वेल एज हमारी अपनी ऑर्गेनाइजेशन, जो इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन है उनके प्लेटफॉर्म से हम ऑलरेडी ये एडवोकेसी कर रहे हैं कि डोनर्स हमको सब कंट्रैक्टर के तौर पर इस्तेमाल ना करें, डोनर हमको हमारे साथ पार्टनरशिप के रियल प्रिंसिपल्स पर जाएं कि जिसमें हमें सिर्फ प्रोजेक्ट्स के लिए सपोर्ट न मिले बल्कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की जो इंस्टीट्यूशनल ग्रोथ है या जो सिस्टम्स की प्रिपरेशन है उसके लिए हमें फंडिंग होनी चाहिए। तो ज़हरा थैंक यू सो मच फॉर रेजिंग दिस क्वेश्चन, और वी नीड टू फर्दर वर्क ऑन इट। इसका एक फिलहाल अनफॉर्चुनेटली एक ब्लैक एंड वाइट में आंसर नहीं हो सकता, लेकिन बड़ा रिलेवेंट क्वेश्चन है आपका। थैंक यू। अच्छा थैंक यू वेरी मच सर, आपने टाइम दिया और इस बहुत ही इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन आपने डिलीवर की। कुछ कमेंट्स ऐसे भी आए इसरार खटक साहब की तरफ से कि जस्ट लाइक अ टीचर, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इस कॉन्सेप्ट को जो है ये एक्सप्लेन किया, थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा सर, मैं अपने जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनका एक दफा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ।
ठीक है जी, कि उन्होंने अपने बिजी स्केड्यूल्स में से वक्त निकाला और हमारे साथ जो है यानी मतलब शरीक हुए इसमें।